हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड बाय रागनी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए ईद स्पेशल ये सेवई फालूदा की रेसिपी लाई हूँ। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये फटाफट बन जाता है, और इसको आप बना करके फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, और जब भी गेस्ट आए तो आप सर्व कर लीजिए। तो सेवई कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में, ये देखिए, मैंने 1/4 मतलब 1/4 चम्मच हमें घी डालना है। देसी घी मैंने यहाँ डाला है, तो थोड़ा सा ही घी का यूज़ करना है हमें, ज़्यादा घी नहीं डालना है। और इसी के साथ ये देखिए 1/4 कप, ये 1/4 कप जो मोटी वाली सेवई थोड़ी होती है ना, वो मैंने लिया है। और इसको अब हम थोड़ा सा भुनेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसको भुनना है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम भुनेंगे ताकि सेवइयाँ जो हैं वो जले नहीं। तो ये देखिए अब कलर हल्का हल्का चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज करना है, इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। और इसमें ये देखिए, अब मैं 2 कप दूध, 2 कप मतलब कि ये आधा लीटर दूध है, और ये फुल फैट मिल्क है। गाय, मैंने भैंस का यहाँ दूध यूज़ किया है। आप चाहे तो गाय का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल क्रीम दूध यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये पहले से उबला हुआ दूध है, और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे जब तक कि हमारी सेवइयाँ थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाएँ, ठीक है। तो तब तक हमें इसको पकाना है, और बीच बीच में हम लगातार इसको चलाते रहेंगे। तो अब मैं इसमें ये देखिए 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ। तो हमें यहाँ ज़्यादा चीनी नहीं डालना है, हल्का मीठा ही मैं बना रही हूँ। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए दूध उबलने लगा है, कि ये देखिए मैंने थोड़ा सा दूध, आधा कप दूध मैंने निकाल लिया था। तो उसमें मैं 1 चम्मच भर के, ये देखिए वनीला कस्टर्ड पाउडर है, ये किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो 1 चम्मच भर के मैंने ये आधे कप दूध में इसको मिला लिया है। अच्छे से मिक्स करिए ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये लीजिए, मैंने मिक्स कर लिया। तो इसको अब हम साइड में रखते हैं और चलते हैं अपने सेवइयों की तरफ। तो ये देखिए सेवइयाँ पकना स्टार्ट हो गई हैं। ये पहले से थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन अभी ये पूरी तरह सॉफ्ट नहीं हुई हैं, तो इसको अभी हम और कुक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेवई अब काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ऐसे दबाने पे बिल्कुल आराम से ये टूट जा रही हैं, तो बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो बस इसी टाइम पे हमें इसमें ये जो कस्टर्ड वाला ये घोल बना के रखा था ना, तो एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो कस्टर्ड पाउडर होता है ना वो तले में बैठ जाता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ही इसको ये देखिए सेवई में डालना है हमें, और इसको लगातार हमें कंटिन्यूसली इसको चलाते हुए पकाना है। और गैस की फ्लेम को हम यहाँ लो टू मीडियम पे ही रखेंगे। तो जब तक ये थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए ना, तब तक हमें इसको पकाना है। तो ये देखिए पहले से थोड़ा थिक हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें ये देखिए इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहे तो इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा सेवई कस्टर्ड बन के अब रेडी है, हमें अब और ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसी टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है, और इसको अब चलिए मैं एक बाउल में निकाल के रख देती हूँ, ये देखिए। तो अब इसको हम ढक के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सेवई कस्टर्ड है वो पूरी तरह से एकदम ठंडा हो चुका है। तो इस सेवई कस्टर्ड को आप ठंडा ठंडा ही सर्व करें। तो ये देखिए कितना थिक हो चुका है पहले से, आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें दूध डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं सर्व कर लेती हूँ। तो सर्व करने के लिए ये देखिए मैंने 1 ग्लास में पहले थोड़ा सा रोज़ सिरप डाला है, ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए या फिर इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर डाल के बनाएंगे ना तो बहुत ही रॉयल फालूदा बनेगा। और रोज़ सिरप डालने के बाद आप रोज़ सिरप या रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। तो रोज़ सिरप डालने के बाद ये देखिए मैंने इसमें सेवई कस्टर्ड डाला, और इसके ऊपर मैंने थोड़े से कटे हुए ये देखिए सेब के पीसेस, थोड़े से कटे हुए अंगूर, और थोड़े से ये देखिए कटे हुए मैंने वाटरमेलन के ये मुरब्बे बनाए हैं। इसकी भी रेसिपी है मेरे पास, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी कटी हुई कीवी डाली, और उसके बाद मैं थोड़ी सी फिर सेवई कस्टर्ड डाल रही हूँ। और इसके ऊपर मैं डेकोरेट करने के लिए ये देखिए थोड़ी सी कलर्ड वाली लाल और हरे रंग की टूटी फ्रूटी डाला है।
आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ से इसको गार्निश कर सकते हैं, चाहे तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और लीजिए, ये हमारा सेवई कस्टर्ड फालूदा बनके रेडी है। ये दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, देख रहे हैं ना, तो खाने में तो इसको एकदम मज़ा ही आ जाएगा। आप एक बार इस सेवई कस्टर्ड फालूदा को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और इस बार ईद पे गेस्ट को खिलाइएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड, वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। बाज़ार का फालूदा खाना आप भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।